स्टूडेंट्स, अब आपके मेकिंग ऑफ फैब्रिक फ्रॉम फाइबर का थर्ड पॉइंट है। फर्स्ट हमने पहले पढ़ा था गिनिंग, फिर हमने पढ़ा था स्पिनिंग। अब जो थर्ड पॉइंट है वो है वीविंग एंड निटिंग, यानी कि जो कॉटन है उससे हम उसका फाइबर कैसे बनाते हैं। तो इसके अंदर तीन स्टेप्स होते हैं, तो हम थर्ड वाला स्टेप पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, थर्ड क्या है? वीविंग एंड निटिंग। तो वीविंग क्या होता है, पहले हम वो समझेंगे। देखिए, द यार्न इज देन वूवन टू मेक फैब्रिक। हमने स्पिनिंग के अंदर क्या किया था, हमने कॉटन ली थी। सबसे पहले गिनिंग में क्या हुआ था, हम कॉटन लेके आए थे फील्ड से, वो भी बिना सीड्स वाली। और फिर हमने स्पिनिंग में क्या किया था, उस फाइबर को हमने थोड़ा सा लेकर उसको रब किया, जिससे क्या हुआ, फाइबर बन गया। अब वीविंग एंड निटिंग में क्या हुआ, अब उस फाइबर की हम लोग सिलाई करेंगे या फिर उसको वूव करेंगे हम लोग। तो देखिए, द यार्न इज देन वूवन टू मेक फैब्रिक। अब ये जो यार्न या फिर थ्रेड होता है उसको हम लोग वूव करेंगे, यानी कि सीलेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा फैब्रिक बनेगा। फिर देखिए, द प्रोसेस ऑफ इंटरलॉकिंग टू सेट्स ऑफ यार्न्स एट राइट एंगल्स टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड एज वीविंग। अब यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर अपन दो थ्रेड लेंगे या फिर दो यार्न लेंगे और उसको इस तरह से इंटरलॉक करेंगे या फिर उन दोनों को इस तरह से अपन ऐड करेंगे कि उनके अंदर बिल्कुल भी गैप ना दिखे। तभी तो जो आप कपड़े पहनते हैं आपको पता चलता है क्या कि उसके अंदर कोई भी गैप है, बहुत छोटे छोटे से होते हैं जो अपन ऐसे ही नहीं देख सकते, तो उतना उनमें गैप रहता है, यानी कि बहुत छोटा सा रहता है। और फिर इन्हीं धागों से हम लोग फैब्रिक बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, वीविंग। फिर देखिए, वीविंग इज डन ऑन लूम्स। अब जो वीविंग होती है ये हम लोग किस पे करते हैं, लूम्स पे करते हैं। अब लूम्स ऐसी मशीन्स होती है, ये आप अपने बुक के अंदर इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं, आपको दिया हुआ होगा। हैंड लूम्स एंड पावर लूम्स दिए हुए हैं आपको, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो थ्रेड होते हैं उनको कैसे, जो वर्कर्स होते हैं वो उनको कैसे ऐड करते हैं। फिर देखिए, हैंड ऑपरेटेड लूम्स आर कॉल्ड एज हैंड लूम्स। जो फर्स्ट पिक्चर दी हुई है आपके वीविंग के अंदर, हैंड लूम्स की पिक्चर है, और जो सेकेंड दी हुई है आपको इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड लूम्स आर कॉल्ड एज पावर लूम्स। तो जो सेकेंड पिक्चर है वो आपको दी हुई है पावर लूम्स की। तो बच्चों, ये था वीविंग के बारे में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे निटिंग के बारे में।